हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी लोगों को। एक बार मोस्ट वेलकम है आरआर एकेडमी फिरोजाबाद में। तो सभी लोग आ जाइए और एक बार कमेंट कर दीजिए कि कितने लोग आ चुके हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ आज मैं। ठीक है, आज का जो सेशन है आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, या तो इस क्लास को आप यूजलेस बोल सकते हैं या ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, आप लोगों की खास डिमांड पर मैं इस सेशन को लेकर आया हूँ। सभी लोगों ने कई बार बोला था, इस वजह से इस क्लास को लेकर आया हूँ। आज की क्लास में आपको कुछ ऐसे राइटर्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे नोट्स देखने मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। ठीक है ना, तो गोरखपुर की शहजादी, गुड इवनिंग सभी लोगों को। गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम है आरआर अकेडमी फिरोजाबाद में। ठीक है, और आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को थोड़ा सा शेयर कर दिया करें सभी जगह पे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ पाए। ठीक है, आप लोग सिर्फ ये छोटा सा काम कर दिया करें, बस यही आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेशकीमती साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर किया करें। यही आप लोगों की एक सबसे पहली प्राथमिकता रहती है किसी भी चैनल पर जाने के लिए, जहाँ पर भी आप स्टडी कर रहे हैं। तो ऐसी हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम कराने क्या वाले हैं, ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे नोट्स प्रोवाइड कराने वाले हैं आज आपको, जो कि बोल सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं। या तो उनसे कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, नहीं तो एकदम एग्जैक्ट जैसा बताने वाले हैं वैसा आएगा। ठीक है ना, चलिए। रियली ऐसा लग रहा है क्या, हम इतने ही गोरे हैं? वो तो कभी कभी हमारा आउटलुक थोड़ा सा दूसरे तरीके का रहता है, तब हम थोड़े से कम गोरे लगते हैं। वैसे तो हम हमेशा इतने ही गोरे हैं। ठीक है ना, तो चलिए तो शुरू करेंगे। क्लास का टाइम 9 PM का था, 9 PM पर हम आ चुके हैं। और किसी भी तरीके की क्वेरीज के लिए, जो लोग भी एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन के लिए पेड बैच लेना चाहते हैं, वो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करा रहे हैं हम। चलिए, सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। चलिए आगे चलेंगे और शुरू करेंगे। आप लोगों की खास डिमांड पर मैं इसको लेकर आया हूँ, और काफ़ी टाइम, काफ़ी पुरानी किताबों को मुझे सर्च करना पड़ा। आप लोग शायद देख पाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी कितनी पुरानी मैंने किताबों का सहारा लिया है आपके लिए, नोट्स को बनाने के लिए। आई थिंक किताबें भी गायब हो गई, मुझे लगता है कि गायब हो गई। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ये बताता हूँ कि काफ़ी सारी पुरानी किताबों का सहारा लिया है इनको बनाने के लिए। हाँ मिल गई, देखिए ये पड़ी हुई है नीचे। ये उस समय की किताब है जब मैं पढ़ा करता था। ठीक है, इस किताब का जो लुक कितना अजीबो गरीब हो गया है, और ये इसके जो पेजेस हैं वो कितने आउटलुक में पहुंच गए हैं। ठीक है, तो बहुत ही पुरानी बुक हो गई है, और इस किताब से ही मैंने आज आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है वो इसी लेवल का है। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था, तब मैं ये लेकर आया हूँ। आई होप कि आपको पसंद आएगी, क्योंकि हमारी स्टडी में एक एक नंबर हमारे लिए बेशकीमती होता है। ठीक है, अगर एक नंबर भी हमें मिल जाता है किसी नोट्स को पढ़ने से, तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। रामायण की बुक नहीं है ये। चलिए तो शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा पॉइंट नंबर 1 है द एनचाइंटेड पोल। ठीक है, इस लेसन के बारे में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है ना, क्लास 9th में ये चैप्टर था आपका, जब आप लोग पढ़ा करते थे। तो ये जो लिखा है द एनचाइंटेड पूल, ये लिखा है सी राजगोपालचारी ने। नोट करते जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियो हो सकती है कि क्लास के बाद में प्राइवेट कर दी जाए, क्योंकि मुझे पता है कि मोस्टली जो लोग आएंगे वो बाद में क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और वीडियो को स्किप करते जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता किसी भी कीमत पे। मैं काफ़ी बार सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई वीडियो को स्किप करके ना देखा करें। अगर नोट्स की ज़रूरत है तो आप मुझसे कहिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, बट नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए मुझे वीडियो लास्ट में प्राइवेट करनी पड़ेगी, ये डेफिनेटली करनी पड़ेगी। तो दिया गया है सी राजगोपालचारी। ठीक है ना, सी राजगोपालचारी ने इनको लिखा है द एनचाइंटेड पूल। अब इनका जो पूरा नाम है वो क्या है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। जन्म की बात कर लें तो 10 दिसंबर 1878 में इनका जन्म हुआ था, एंड 25 दिसंबर 1917 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी पूरी तरीके से बात करें तो इनको हम राजा जी बोलते थे, राजा जी बोलते थे, या इनको सी आर बोला जाता था केवल। एंड इट वॉज एन इंडियन लॉयर, ये एक इंडियन लॉयर थे, फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्रता सेनानी थे, पॉलिटिशियन थे और एक राइटर भी थे, याद रखिएगा। एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी,
इन्होंने एक पार्टी का गठन भी किया था जिसका नाम था स्वतंत्रता पार्टी, ठीक है। एंड ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रिसीव इंडियाज हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसको हम बोलते हैं भारत रत्न। एक क्वेश्चन आपका जीएस का भी यहाँ से कवर हो सकता है कि सबसे पहला कैंडिडेट यानी सबसे पहला भारतीय जिसको भारत रत्न प्रदान किया गया था वो कैंडिडेट कौन था। तो सी राजगोपालचारी इज द कैंडिडेट हु वॉन फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड। इनके साथ में आपको पता होगा कि दूसरे भी कैंडिडेट थे, जैसे सीवी रमन थे, ठीक है ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इनको भी इन्हीं के साथ में मिला था, बट ये सबसे पहले कैंडिडेट थे जिनको भारत रत्न प्रदान किया गया था। इनके इनका जो निक नेम है वो है मार्गो, ठीक है, इनका जो निक नेम है वो है मार्गो ऑफ सबीर, नोट कर लेना, मार्गो ऑफ सबीर, इस निक नेम से इनको बुलाया जाता है। ही रोट एन एवरेज रिटेलिंग ऑफ द महाभारत, इन्होंने जो रचनाएं की हैं वो महाभारत की रचनाएं की हैं, यानी महाभारत से कुछ स्टोरियां ले ली टुकड़ों में, उन स्टोरियों को इन्होंने दोबारा से प्रस्तुत कर दिया है अंग्रेजी भाषा में। ही वॉज डीपली रिलीजियस एंड अ पायस पर्सन एंड फॉलोवर ऑफ द वेदास एंड उपनिषद, ये वेद और उपनिषद के अच्छे फॉलोवर थे। कहने का मतलब ये है कि इनको वेद और उपनिषद की एक अच्छी जानकारी थी। इसके बारे में कोटेशन भी दिया गया है, रिचार्ड कैसे ने इनके लिए कोटेशन भी लिखा है, उस कोटेशन का जो आउटलुक है वो आपके सामने मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर देता हूँ। ये है आपका राजा जी एज द वाइजेस्ट वाज इन इंडिया, इनका जो कोटेशन है राजा जी एज द वाइजेस्ट वाज इन इंडिया, ये कोटेशन किया गया है रिचार्ड के द्वारा, याद रखिएगा रिचार्ड कैसे के द्वारा ये कोटेशन किया गया है, ठीक है। द बेस्ट पॉसिबल ट्रिब्यूट टू राजा जी वाज फ्रॉम महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने इनको बोला है कीपर ऑफ माई कॉन्शियंस, महात्मा गांधी के शब्द हैं इनके लिए कीपर ऑफ माई कॉन्शियंस, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। जय हिंद सभी लोगों को, शिखा यादव मार्गो ऑफ शबीर, जी हाँ निक नेम है, सुमिति जायसवाल, विधि शिवरे। अच्छा हम आप लोगों को गुड इवनिंग कहना तो भूल ही गए, चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग, ऋषि बाबू सभी लोगों को गुड इवनिंग। और बस एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर किया करें, इतनी ही आप लोगों से मैं अपेक्षा करता हूँ, ठीक है, इसके अलावा कुछ खास अपेक्षा नहीं है, बस चैनल को शेयर जरूर कर दिया करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ जाएं, ठीक है। आगे चलेंगे, एक अच्छा वर्क है जो है आपका अ लेटर टू गॉड, इसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, है ना, अ लेटर टू गॉड, इसको लिखा है जी एल फ्लुएंट ने, ठीक है, इसके जो राइटर हैं वो है आपके जी एल फ्लुएंट। मैं मोस्टली उन्हीं राइटर्स के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। जी एल फ्लुएंट, जुलाई 11, 1897 में इनका जन्म हुआ था एंड 13 जुलाई 2002 में इनकी डेथ हो गई थी। ये थे कौन, ये एक फिशरमैन थे, ये कौन थे, ये एक फिशरमैन यानी एक मछुआरे थे। एंड द फर्स्ट मेट ऑफ द पिलर, यहाँ पर जो पिलर आया है, पिलर का मतलब है एक जहाज, पिलर वाज द शिप, एक शिप था, पानी का जहाज था, एक बोट मान सकते हैं, ठीक है। बिलोंगिंग टू द अमेरिकन राइटर अर्नेस्ट हेमिंग्वे, अर्नेस्ट हेमिंग्वे के बारे में कौन नहीं जानता है, ठीक है, जिन लोगों ने पीजीटी का एग्जाम तैयार किया होगा अर्नेस्ट हेमिंग्वे के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने अपने जमाने में एक बोट इनसे परचेज की थी, तो ये बोट के पहले रखवाले थे, कहने का मतलब उस बोट के पहले उम्मीदवार थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जी आर फ्लुएंट्स ने लिखा है इसको अ लेटर टू गॉड, और इसके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे यानी अगला पॉइंट दिया गया है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं के बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ, और जो लेस इंपॉर्टेंट है उनको ज़्यादा डिफाइन नहीं करूंगा। द गंगा नाम का जो चैप्टर है ये लिखा है पंडित नेहरू ने, ठीक है, याद रखेंगे। सुक्रेटीज नाम का है ये रोदा पावर ने लिखा है, इसको भी नोट कर लेंगे। इसके बाद में आगे चलते हैं नेक्स्ट, देख लीजिए रोदा पावर के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। रोदा डॉलर्स ली पावर, ठीक है, ये इनका पूरा नाम है, याद रखेंगे, रोदा डॉलर्स ली पॉर पावर पूरा नाम है इनका, इसको नोट करेंगे। एंड ही वॉज बॉर्न, सॉरी शी वॉज बॉर्न 29 मई 1890, यानी 29 मई को 1890 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना, एल्ट्रिंग कम में चेस शायर। और 9 मार्च 1957 यानी 9th मार्च 1957 में लंदन में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर बात करें, एक और चीज याद रखिएगा, ये फेमिना जेंडर की बात हो रही है, सी मतलब ये लड़की है, रोदा ड्रॉस पावर, ठीक है। सी वाज अ पायनियर इंग्लिश ब्रॉडकास्टर एंड चिल्ड्रंस राइटर, कहने का मतलब चिल्ड्रन की जो स्टोरी होती है उनको लिखने वाली राइटर है ये।
द हाईली रिगार्डेड सेट ऑफ स्टोरीज, इनकी बहुत ही पॉपुलर स्टोरी थी जिसका नाम है रेड कैप रन्स अवे, जिसको लिखा गया था 1952 में, और 1952 में इसको पब्लिश किया गया था, याद रखेंगे ठीक है ना। सभी लोग अच्छे तरीके से देखते रहें, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, सिलेक्टेड चीजें लेकर आया हूं मैं, सबसे पहले लेकर आया हूं। हालांकि मेरे कराने के बाद में कुछ लोग इसको कॉपी भी करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि मेरी चीजें अक्सर लोग कॉपियां करते रहते हैं। इस चीज का प्रूफ आपको 1 या 2 दिन में मिल जाएगा, जो मैंने कराया है वो दूसरे चैनल पे मिल जाएगा आपको, क्लियर है ना। चलिए, जो मैं करा रहा हूँ वो आपको दूसरे चैनल पे मिल जाएगा, लिखवा लीजिए, डेफिनेटली लिखवा लीजिए ठीक है। बच्चे फॉलो करें ना करें, लेकिन टीचर जरूर फॉलो करेंगे, इस चीज का मैं गारंटी देता हूँ। आगे बात करते हैं टॉर्च बियरर्स, एक अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है टॉर्च बियरर्स ठीक है। टॉर्च बियरर्स विलियम मॉर्टन रायबर्न ने इसको लिखा है, याद रखिएगा ठीक है, विलियम मॉर्टन रायबर्न ने इसको लिखा है। इसके बारे में खास डिटेल नहीं देंगे, इसका नाम ही याद रख लीजिएगा आप। अवर इंडियन म्यूजिक, एक अच्छा टॉपिक है अवर इंडियन म्यूजिक, स्टोरीज एंड एनिकडॉट्स, इसको लिखा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन ठीक है ना। डॉक्टर राधाकृष्णन के ऊपर मैंने 5 सितंबर को एक लेक्चर लिया था, यानी शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैंने इनके बारे में स्टडी कराई थी, जहां सभी लोग शिक्षक दिवस को सेलिब्रेट कर रहे थे, वहां मैंने शिक्षक दिवस पर इन्हीं के जन्मदिन पर इनको ट्रिब्यूट किया था ठीक है। कहने का मतलब मैंने इनको ऑनर सम्मान दिया था, एज अ टीचर आई सो मच एडमायर हिम, याद रखिएगा। तो मैंने इन्हीं के ऊपर अध्ययन कराया था बच्चों को, आप चाहो तो उस वीडियो को देख लेना, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने कराए हैं ठीक है। अब दूसरा 7th नंबर का पॉइंट देख लीजिए, फाउंटेन। फाउंटेन क्या है? ये एक पोएम है ठीक है, फाउंटेन क्या है? ये एक पोएम है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग ठीक है ना, सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए आगे, एक पोएम का नाम दिया है मैंने फाउंटेन। फाउंटेन क्या है? ये पोएम है, इसको लिखा है जेम्स रसेल लोवेल के द्वारा। जेम्स रसेल लोवेल है कौन, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा। ही इज एन अमेरिकन रोमांटिक पोइट, ये कौन है? अमेरिकन रोमांटिक पोइट है, क्रिटिक है, एडिटर है और डिप्लोमेट भी थे, याद रखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, अगला जो कृति है, अगला जो वर्क है वो है आपका शेम ऑफ लाइफ, द शेम ऑफ लाइफ, याद रखिए द शेम ऑफ लाइफ, इसको लिखा है एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो के द्वारा। अब एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो एक बहुत ही इम्यूनियंट राइटर रहे हैं, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन तो देना बनता है ठीक है ना। सुजाता चौहान, सबके राइटर याद कर रखे हैं, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है, सभी के राइटर याद कर रखे हैं, डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा ठीक है ना। जिन लोगों ने याद नहीं किए हैं वो सभी लोग याद रखिएगा ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया गया है एच डब्ल्यू लॉन्ग फिलो कौन थे, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने। हेनरी वेड्सवर्थ, इनका पूरा नेम हैनरी वेड्सवर्थ लॉन्ग फिलो, पूरा नाम याद रखिएगा हेनरी वेड्सवर्थ लॉन्ग फिलो। इनका जन्म हुआ था 27 फरवरी 1807 में, और डेथ हुई थी मार्च 24, 1882 में ठीक है। ये कौन थे? ये भी एक अमेरिकन पोइट थे, एजुकेटर थे, हुज वर्क इंक्लूड, इनके कुछ इंपोर्टेंट वर्क्स हैं, इनकी कुछ इंपोर्टेंट वर्क्स हैं, उन वर्क्स में शामिल हैं आपके पॉल रिवर्स राइट ठीक है। मैंने ये सेशन आज जो ले रहा हूं, एक बार वॉइस ओवर करके, कहने का मतलब बिना फेस के, एक वीडियो बनाया था आज से लगभग 5 महीने पहले, जब मैंने एडिट की क्लासेस शुरू शुरू की थी, तब मैंने इस पर टॉपिक करा दिया था, बट काफी डिमांड हुई थी सभी लोगों की, तो मैं इसको एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ। पॉल रिवर्स राइट, ये इनका इंपोर्टेंट वर्क है। इसके बाद में द सॉन्ग ऑफ हेथा ठीक है, ये भी इनका इंपोर्टेंट है। इसके बाद में एवंगलाइन, ये इंपोर्टेंट है। एंड ही वॉज फर्स्ट अमेरिकन, याद रखिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। ही वॉज फर्स्ट अमेरिकन टू ट्रांसलेट, अगर बात आ जाती है कि ऐसा कौन सा अमेरिकन राइटर है जिसने दंते एलिगरी का डिवाइन कॉमेडी को ट्रांसलेट किया था ठीक है, तो वो राइटर यही है आपके, याद रखेंगे। ही वॉज वन ऑफ दैट अमेरिकन हु ट्रांसलेट दंते एलिगरीज डिवाइन कॉमेडी एंड वॉज वन ऑफ द फायर साइड पोइट ऑफ द न्यू इंग्लैंड ठीक है ना। दंते एलिगरी की डिवाइन कॉमेडी को ये एक ऐसे अमेरिकन है जिन्होंने ट्रांसलेट कर दिया था, याद रखेंगे ठीक है ना। चलिए आज मैं कमेंट देखिए, अगर मैं आप लोगों की कमेंट देखता रहूंगा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। कमेंट तो तब देखी जाती है जब हम क्वेश्चन आपसे पुटअप कर रहे हो। आज तो आपका स्टडी का टॉपिक है, आप कवर करते जाइए और देखते जाइए, जब मुझे लगेगा कि आपसे कुछ पूछना है तो हम कमेंट आपका देखेंगे ठीक है ना।
सभी के कमेंट आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी लोगों के कमेंट आ रहे हैं। बस ये था कि मैं अभी कमेंट देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं कमेंट अभी ज़्यादा आवश्यक नहीं समझ रहा, क्योंकि आज सिर्फ स्टडी का टॉपिक है। चलिए 9th नंबर का देख लीजिए, द परफेक्ट लाइफ। परफेक्ट लाइफ आपकी एक पोएम है जिसको बेन जॉनसन ने लिखा है, ठीक है ना। और बेन जॉनसन के बारे में कौन नहीं जानता है, इसलिए मैं यहाँ पर भी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा। नेक्स्ट है आपका द नेशन बिल्डर। नेशन बिल्डर को लिखा है RW एमर्सन के द्वारा, और RW एमर्सन की कुछ इम्पोर्टेंट और भी पोइम्स हैं, जिसमें है आपका माउंटेन एंड द स्क्वेरल, ठीक है, ये भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। द नेशन बिल्डर्स ये आपने क्लास 9th में पढ़ी होगी, माउंट एंड द स्क्विरल ये भी आपने शायद क्लास 9th में पढ़ी होगी। इसके बाद में इन्होंने एक प्रोज और लिखा है, ठीक है ना, एक प्रोज वर्क और लिखा है जिसका नाम है द इन्वेंटर्स हु केप्ट हिज प्रॉमिस। ये भी RW एमर्सन का वर्क है। ये 3 वर्क हैं, इनके याद रखिएगा, ठीक है ना। राफ वेल्डो एमर्सन, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना, राफ वेल्डो एमर्सन, गुड। चलिए आगे देख लीजिए, राफ वेल्डो एमर्सन, इनका पूरा नाम क्या है, राफ वेल्डो एमर्सन। इनका जन्म हुआ था 25 मई 1803 में, और डेथ हुई थी इनकी अप्रैल 27 1882 में, ठीक है। इनको इनके नाम से नहीं, इनको इनके निक नेम से, मिडिल नेम से जाना जाता था, और इनका मिडिल नेम क्या है, वेल्डो, इनको वेल्डो के नाम से जाना जाता है। एंड ही वाज आल्सो एन अमेरिकन एसिस्ट, ये भी अमेरिका के एक जाने माने एसिस्ट हैं, लेक्चरर हैं, और ये फिलोसोफर हैं, याद रखिएगा। एंड पोइट आल्सो, इन्होंने परलौकिकवादी एक विचारधारा का शुभारंभ किया था, यानी मूवमेंट चालू किया था, ट्रांसकेंडलिस्ट यानी कि परलौकिकवादी, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा और देख लीजिए, 11th नंबर पे, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, ये एक प्रोज वर्क है। ये भी पूछा जा सकता है कि ये प्रोज है, पोइट्री है, फिक्शन है, ड्रामा है, क्या है। तो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य ये आपका एक प्रोज वर्क है जिसको लिखा है सिस्टर निवेदिता के द्वारा। सिस्टर निवेदिता कौन है ये जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है ना। तो सिस्टर निवेदिता कौन है, इसके बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिए। सिस्टर निवेदिता बॉर्न मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। अगर सिस्टर निवेदिता के हम ओरिजिनल नेम की बात कर लें, तो इनका जो असली नाम था, बाई बॉर्न इनका जो नाम था, जो इनके माता पिता ने रखा था, वो था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, याद रखिएगा। इनका ये जो नाम था ये चेंज कर दिया गया कब, वो भी बताने वाले हैं, व्हेन शी मेट स्वामी विवेकानंद, ठीक है। ये स्वामी विवेकानंद की डिसिपल थी, एंड अक्टूबर 1816 13 अक्टूबर 1911 ये इनका लाइफ ड्यूरेशन है। और ये एक आयरिश टीचर थी, ठीक है ना, आयरिश टीचर थी, ऑथर थी, सोशल एक्टिविस्ट थी, और एक स्कूल फाउंडर भी थी, ठीक है ना। और सबसे खास बात ये कि ये शिष्य थी किसकी, स्वामी विवेकानंद की। सी स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड अर्ली यूथ इन आयरलैंड, इन्होंने अपना बचपन आयरलैंड में गुजारा था। एंड सी वाज एंगेज टू मैरी अ वेल्स यूथ, वेल्स के एक यंग यानी कि जवान पुरुष के साथ में इनकी शादी तय हुई थी, बट ही डेड सून आफ्टर देयर एंगेजमेंट, लेकिन एंगेजमेंट के कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, ये स्वामी विवेकानंद से मिली, स्वामी विवेकानंद से मिली थी ये 1895 में लंदन में। एंड ट्रेवल्ड टू कलकत्ता, और कलकत्ता तक उनके साथ साथ आई भी थी, ठीक है, जिसको आज वर्तमान दिनों में हम कोलकाता बोलते हैं। और वो ईयर था 1898, स्वामी विवेकानंद ने ही इनको ये नाम दिया था, निवेदिता, याद रखिएगा। निवेदिता का मतलब होता है डेडिकेटेड टू गॉड, यानी भगवान के लिए समर्पित, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आगे चलते हैं 12th नंबर पे। 12th नंबर का जो पॉइंट दिया गया है वो है माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज किसके द्वारा लिखा गया है, इतना याद कर लेना, ठीक है ना, जेसी ओवेंस के द्वारा इसको लिखा गया है। टॉम सायर के बारे में कौन नहीं जानता है, बहुत ही मोस्ट पॉपुलर, तो इसको लिखा है मार्क टेवन के द्वारा। इसके बाद में है कुबली वाला, ठीक है, कुबली वाला यहाँ पर जो दिया गया है, कुबली वाला, इसके बाद में आपके साथ यहाँ लिखा होगा एच, ठीक है, कुबली वाला ऐसे हो जाएगा ये। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा है, ठीक है ना, ठीक है। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य सिस्टर निवेदिता, जी हाँ, ठीक है, सभी लोग याद रखिएगा इन चीजों को। इसके बाद में दिया है प्लेइंग द गेम्स। प्लेइंग द गेम जो लिखा है उसका राइटर है आर्थर मी, ठीक है, आर्थर मी। सिंपैथी नाम की जो पोएम है वो आप लोगों ने बच्चों को बहुत ज्यादा पढ़ाई होगी, चार्ल्स मैकी के द्वारा इसको लिखा गया है। इसमें ये डिफाइन किया गया है कि सिंपैथी इज मोर बेटर, मोर ग्रेटर देन द मनी। सिंपैथी क्या है, धन से ज्यादा पावरफुल होती है, सिंपैथी की वैल्यू धन से ज्यादा होती है, ठीक है। 9th टू 12th राइटर, जी हाँ, 9th टू 12th राइटर्स हैं सभी, ठीक है ना,
ये खास डिमांड पर लेकर आया हूँ मैं। सभी लोगों ने बोला था मुझे इसके लिए कि सर एक चैप्टर एक क्लास इस पर भी करवा दीजिए जिससे कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका इंडियन वीवर्स, ये एक पोएम है याद रखेंगे, सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। सरोजनी नायडू पर भी हम क्लास ले चुके हैं, इंपोर्टेंट जो इनके वर्क हैं उनके बारे में भी बता चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी एंड कॉफी ड्रिंकर, गांधी जी एंड कॉफी ड्रिंकर ये एक प्रोज वर्क है। क्या है ये? एक प्रोज वर्क है जिसको लिखा है जी रामाचंद्रन ने, ठीक है ना, जी रामाचंद्रन के द्वारा। नेक्स्ट है सबसे पॉपुलर लेटर टू चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है और ये एक प्रोज फॉर्मेट में है, यानी कि ये एक प्रोज वर्क है, ठीक है ना, ये एक प्रोज वर्क है याद रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है ऑन अ विंटर्स नाइट, जिसे हम पूस की रात बोलते हैं, ठीक है ना, ऑन अ विंटर्स नाइट जिसे हम पूस की रात बोलते हैं, और ये हमारे इंडियन राइटर मुंशी प्रेमचंद जी की एक महान कृति है जिसके बारे में ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं होगा जिसने नहीं पढ़ा हो, चाहे फिर वो हिंदी का स्टूडेंट हो या फिर वो इंग्लिश का स्टूडेंट हो, पूस की रात सबने पढ़ी होगी, ठीक है। अब इसके बाद में आता है आपका पेनपाल, पेनपाल भी इतनी इंपोर्टेंट इतनी पॉपुलर स्टोरी है कि शायद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने कभी इसको नहीं पढ़ा हो। जिन लोगों ने भी इंग्लिश पढ़ी है उन लोगों ने पेनपाल पढ़ा होगा, और जिन लोगों ने इंग्लिश नहीं पढ़ी है उन्होंने पेनपाल के बारे में सुना जरूर होगा, ठीक है। तो पेनपाल एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको लिखा है जी श्रीनिवास राव ने, आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद इसको लिखा गया है ओ हेनरी के द्वारा। ओ हेनरी के द्वारा एक और वर्क है जिसका नाम है द लास्ट लीप, ठीक है, जो आपके एलटी ग्रेड एग्जामिनेशन में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद में बात करेंगे द गोल्ड वॉच, गोल्ड वॉच लिखी है पोंजी कारा रैफी के द्वारा, ठीक है, याद रखेंगे, नेहा कश्यप, यस सर, पोंजी कारा रैफी के द्वारा लिखा गया था गोल्ड वॉच। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ड्रॉट, ड्रॉट को लिखा है शरद चंद्र चटर्जी के द्वारा, और ये भी क्या है, ये भी आपकी एक प्रोज वर्क है। ड्रॉट क्या है? ड्रॉट इज ऑल्सो अ प्रोज वर्क। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ये क्या है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको इंडिया में विख्यात, मैं ये कहता हूँ कि विश्व विख्यात राइटर है आपके इंडियन आर के नारायण, आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है एस्ट्रोलॉजर्स डे। ग्रेजुएशन के पार्ट सेकंड में आपको ये शॉर्ट स्टोरी पढ़ने के लिए मिल जाएगी, शायद पता नहीं है अब चलती है सिलेबस में या नहीं चलती है, लेकिन जब हम थे तब शायद ये चलती थी। इसके बाद में है आपका द लॉस्ट चाइल्ड, लॉस्ट चाइल्ड भी आपको सिलेबस में देखने मिल जाएगी ग्रेजुएशन में। द लॉस्ट चाइल्ड मूल्क राज आनंद के द्वारा लिखा हुआ बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है, याद रखिएगा। गोरखपुर की शहजादी नेहा कश्यप, नो सर, 12th में है, अच्छा 12th में है, ठीक है, 12th में भी होगी, कोई शक नहीं है। ये सभी वो राइटर्स हैं जो आपको ये वर्क इनके याद रखने हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और स्पेशल एक्सपीरियंस, स्पेशल एक्सपीरियंस लिखा गया है आपका मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, याद रखेंगे इसको। इसके बाद में एक पोएम है जिसका नाम है द ट्रू ब्यूटी, ट्रू ब्यूटी के नाम से कभी कभी सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्रू ब्यूटी या तो शेक्सपियर की है या किसी और की है, तो इस शब्द को याद रख लेना। ट्रू ब्यूटी जो पोएम है वो लिखी गई है थॉमस कैरियो के द्वारा, याद रखना, थॉमस कैरियो के द्वारा लिखी गई है, विलियम शेक्सपियर के नाम से कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसके नाम से देखकर ऐसा लगता है कि ये विलियम शेक्सपियर ने लिखी होगी, ठीक है। थॉमस कैरी कौन थे? ही वाज द फेवरेट ऑफ पोएट, यानी कि वो सबसे फेवरेट, सबसे पसंदीदा पोएट थे किंग चार्ल्स फर्स्ट के, ठीक है ना, इंग्लैंड के किंग चार्ल्स फर्स्ट के सबसे पसंदीदा पोएट रहे थे थॉमस कैरी। इतने पॉइंट को भी याद रखेंगे। एनसीईआरटी में 9th क्लास में है लॉस्ट चाइल्ड। देखिए कोई ना कोई वर्क किसी न किसी सिलेबस में आपको मिल ही जाएगा, इसीलिए तो कहते हैं कि सिलेबस की कोई आर्ड नहीं ले सकता कि ये सिलेबस में है या वो है या नहीं है। ये जितने भी वर्क दिए गए हैं इन वर्क में से आपका एक क्वेश्चन 101% फंस जाएगा। कहने का मतलब आज की क्लास आपकी यूजलेस नहीं जाने वाली है। कैवलियर पोएट थे, जी हाँ। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में दिया गया है एक पोएम के बारे में, पोएम है आपकी द स्कॉलर। द स्कॉलर जो पोएम है वो लिखी है आपकी रॉबर्ट साउदी ने, इसको याद रखिएगा, रॉबर्ट साउदी पीजीटी में बहुत इंपॉर्टेंट राइटर रहे हैं। नेक्स्ट है टू द पपिल्स, ठीक है, टू द पपल्स भी आपकी एक पोएम है जिसको लिखा है हेनरी एल डेरोजियो के द्वारा। और अवर कैजुरेना ट्री है, इसको लिखा गया है टोरू दत्त, टोरू दत्त एक महिला का नाम है यानी एक लड़की का नाम है, याद रखिएगा। टोरू दत्त आपको मिल जाएगी इंटरमीडिएट के लास्ट चैप्टर में है, ये एक पोएम है, ठीक है ना। और इनका जो जन्म था टोरू दत्त का वो कलकत्ता में हुआ था। ये कैजुरेना जो ट्री है इनके आंगन में खड़े हुए एक पेड़ के बारे में चर्चा होती है इस पोएम में, अपने आंगन में खड़े हुए कैजुरेना ट्री के बारे में ये बात करती हैं। नेक्स्ट है 32 पर माई हेवेन।
माई हेवन लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, और ये बहुत ही अच्छी पोइम है, याद रखिएगा। नाइटिंगल, नाइटिंगल आपको कंफ्यूज करने वाली पोइम हो सकती है, क्योंकि टू द नाइटिंगल होती है, ठीक है ना, द नाइटिंगल होती है और नाइटिंगल्स होती है। तो ये तीन पोइम है जो आपको याद रखनी है, अलग अलग राइटर्स की हैं। यहाँ पर जो पोइम चल रही है आपकी नाइटिंगल्स, ये लिखी है रॉबर्ट ब्रिज के द्वारा, ये एक पोइम है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने 34, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग पोइम्स, रॉबर्ट फर्स्ट के द्वारा इसको लिखा गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बाद में 35 नंबर पे चलते हैं। 35 नंबर पे दिया गया है अ गर्ल विद अ बास्केट, ये आपको 12th क्लास की एक शॉर्ट स्टोरी के रूप में मिल जाएगी, ये आपका एक प्रोज वर्क है, ठीक है ना। मेरा सही है सर, इसका PDF डाल दीजिएगा, RR एकेडमी फिरोजाबाद टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। RR एकेडमी फिरोजाबाद टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF आप सभी लोगों को मिल जाएगा, डोंट वरी। टेलीग्राम चैनल की बात कर रहे हैं हम, जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं है वो टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम मिल जाएगा उनको, ठीक है। विलियम सी डगलस, ठीक है। अ गर्ल विद अ बास्केट प्रोज वर्क है, ठीक है ना। डब्ल्यू सी डगलस, इनका पूरा नाम है विलियम ऑरविल डगलस, याद रखिएगा, विलियम ऑरविली डगलस। इनका जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1898 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1980 में। ये एक अमेरिकन जूरिस्ट, जूरिस्ट का मतलब जज थे, याद रखिएगा, जज थे। एंड अ पॉलिटिशियन हु सर्व एज एन एसोसिएटेड जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एसोसिएटेड जस्टिस के रूप में भी इन्होंने काम किया था, ठीक है। और जब ये एक बार इंडिया विजिट करने आए थे, वो ईयर था 1950, 1950 में एक बार ये इंडिया आए थे, तो इन्होंने यात्रा की थी न्यू दिल्ली से बरेली तक, यानी न्यू दिल्ली टू बरेली तक इन्होंने जर्नी की थी, जर्नी की थी ट्रेन के द्वारा। तभी इनके मन में ये ख्याल आया था, क्यों ना हम इंडिया के लोगों के बारे में समझें, इंडिया के लोगों की फीलिंग्स कैसी है, इंडिया के लोग कैसे सोचते हैं, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए ये इंडिया में दिल्ली टू बरेली तक ट्रेन से यात्रा करने के लिए निकले थे। 37 नंबर पे, 36 नंबर पे देख लीजिए, आंट एंड द ग्रास ऑपर, बहुत ही मोस्ट पॉपुलर प्रोज है, शॉर्ट स्टोरी मान लीजिए, ठीक है ना, फेबल मान लीजिए वैसे तो इसको। डब्ल्यू एस मोगम के द्वारा लिखा गया है। डब्ल्यू एस मोगम आपके कौन है, एक नोवलिस्ट है और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है, ठीक है। 37 नंबर पे दिया गया द काइट मेकर, काइट मेकर आपका एक प्रोज वर्क है जिसको रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है, और ये एक शॉर्ट स्टोरी की फॉर्मेट में लिखा गया है। रस्किन बॉन्ड आपके शॉर्ट स्टोरी राइटर है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी इसमें दी हुई है सर, जी हाँ, और एंड जॉर्ज रैमसे, टॉम रैमसे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम, 38 नंबर पे, 38 नंबर पे दिया गया अ फीलो ट्रेवलर, अ फीलो ट्रेवलर ये आपका एक प्रोज वर्क है जिसको लिखा है एजी गार्डनर ने, और एजी गार्डनर के बारे में कौन नहीं जानता है, ये एक वर्ल्ड फेमस एसेस्ट हैं, ठीक है ना, यानी निबंधकार हैं। और इनका जो पेन नेम है, इनका जो पेन नेम है वो है अल्फा ऑफ पिलो, याद रखेंगे इस वर्ड को, अल्फा ऑफ पिलो। जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे दे सकता था वो मैंने सारे देने की कोशिश की है, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता रहूँ। ही रोट पर्सनल एसेज, इनके बारे में खास बात यह है कि एजी गार्डनर जो थे वो ज़्यादातर पर्सनल एसेज लिखते थे, व्यक्तिगत निबंध लिखते थे, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, आगे दिया गया एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्रोज वर्क है, ये जेम्स एलन के द्वारा लिखा गया है इसको, और वो किस तरीके की स्टोरी लिखते थे, मोरल स्टोरी लिखा करते थे। और आपके सामने ये जो दिया गया है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, ठीक है, ये इनका लिया गया है फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर नाम की इनकी एक रचना से, फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर से इसको लिया गया है, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, जिसमें ये सीक्रेट बताते हैं, यानी कि कुछ पॉइंट बताते हैं किस तरीके से व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, किस तरीके से वो पावरफुल हो सकता है, ठीक है। 40 नंबर पे चलते हैं, 40 नंबर पे दिया गया है द वेराइटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, विभिन्नता में एकता, भारतीय विभिन्नता में एकता, ठीक है, याद रखेंगे, प्रोज वर्क है ये। 41 नंबर पे दिया गया डायलॉग, डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन, ये एक डायलॉग के फॉर्म में है, मतलब इसमें करेक्टर्स के डायलॉग बोले गए हैं, जिसमें लूसी नाम की एक गर्ल है जो राइटर के साथ में कन्वर्सेशन करती है, और राइटर का नाम है CEM जोध, ठीक
ठीक है, याद रखेंगे। सीईएम जोत कौन है? एक मॉडर्न फिलोसफर है, ये दार्शनिक है, और अपने इस डायलॉग में और डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन में ये कंफर्म करना चाहते हैं कि डायलॉग मतलब सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति किस कंडीशन में सिविलाइज हो सकता है, किस कंडीशन में अनसिविलाइज मतलब के रस्टिक हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लूसी नाम की लड़की है, लूसी नाम की एक छोटी सी लड़की है, गर्ल है, वो और राइटर दोनों आपस में कन्वर्सेशन करते हैं और बात करते हैं मीन्स ऑफ सिविलाइजेशन पर, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 42 दिया गया है, हंटिंग बिग गेम्स। हंटिंग बिग गेम्स दिया गया है विद द कैमरा, हंटिंग बिग गेम्स विद द कैमरा, ये भी आपका एक प्रोज वर्क है, ठीक है ना, ये आपका एक प्रोज वर्क है। इस प्रोज वर्क के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं, ये लिखा गया है मेजर रेड क्लिप डुगमोर के द्वारा, ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द राइटर ऑफ दैट वर्क, मेजर ए रेड क्लिप डुगमोर के द्वारा। मेजर डुगमोर थे कौन? एक अफ्रीकन हंटर थे, आफ्टर हंटिंग एनिमल्स विद राइफल, मतलब ये पहले हंट करते थे, शिकार करते थे एनिमल्स का अपनी राइफल के द्वारा, क्योंकि हंटर थे, ठीक है, बट ही वाज द फर्स्ट, ये वो पहले कैंडिडेट थे जो पहले बंदूक से शूट किया करते थे, बट आफ्टर ऑल उन्होंने सोचा कि अब बंदूक से नहीं, अब कैमरे से शूट करेंगे, ठीक है, तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन जो कि कैमरे से एनिमल्स को शूट करना शुरू कर दिया, मतलब उनके फोटो कैप्चर करना शुरू कर दिया। एंड ही टेल्स द स्टोरी ऑफ हिज एडवेंचर्स विद वेरी इंटरेस्टिंग वे, और अपने प्रोज फॉर्मेट में ये अपने जितने भी साहसिक कार्य होते थे, जो भी एडवेंचर्स कंडीशन हुआ करती थी, उन सभी कंडीशंस को अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज में ये ढाल दिया करते थे, याद रखेंगे, ठीक है ना। ही वॉज द फर्स्ट टू शूट देम विद हिज कैमरा, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए 80 क्वेश्चंस राइट थे मेरा पीजीटी में, मेरा पीजीटी में आउट इन ओबीसी, ऐसा कैसे हो गया? 76 वालों का तो नंबर आया है भाई। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। द पालम क्यून वीरियर दिया गया है, ये आपकी एक पोएम है जिसको लिखा है सरोजनी नायडू ने, इसको लिखा है सरोजनी नायडू ने, जो कि आपकी इंडियन इंग्लिश राइटर हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, द सॉन्ग ऑफ द फ्री एक पोएम है जिसको स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया है। और नेक्स्ट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है द लाइट ऑफ द एशिया, द लाइट ऑफ एशिया एक पोएम है, एक लॉन्ग नरेटिव पोएम मान लीजिए, ठीक है ना, सर एडविन अर्नोल्ड के द्वारा इसको लिखा गया है, और सर एडविन अर्नोल्ड का जन्म हुआ था 10 जून 1832 को, मृत्यु हुई थी 24 मार्च 1904 को, एंड ही वाज एन इंग्लिश पोएट एंड जर्नलिस्ट एंड बेस्ट बोल सकते हैं मोस्ट नॉन फॉर हिज वर्क द लाइट ऑफ एशिया, ये अपने इसी वर्क के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना, ये इसी वर्क के लिए जाने जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए तो आज के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके डिमांडिंग क्वेश्चन है, और सभी लोगों ने बोला था, मोस्टली हर कैंडिडेट ने बोला था कि सर 9th to 10th वाले जितने भी राइटर्स हैं उन पे कुछ छोटे से नोट्स बना दीजिए, तो मैंने आप लोगों की इस चॉइस को पूरा कर दिया है और आपके लिए नोट्स बनाकर मैं ले आया हूँ, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ में। बस चैनल को शेयर जरूर कर दिया करें, जहाँ जहाँ पर भी आपके लिंक हैं, जहाँ जहाँ पर भी आपके फ्रेंड्स स्टडी कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फायदा उठा पाएँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही कराएंगे, क्योंकि आज का सेशन कुछ खास था, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, सी यू अगेन, टाटा बाय बाय, ठीक है, कल मिलेंगे।